गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। कल हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ा था, और हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, और मैटर के बारे में हमने सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। कल हमने फिजिकल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम केमिकल फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैटर को हम केमिकल फॉर्म में कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द केमिकल फॉर्म इज द प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर। हम इसे दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? तो हम प्योर सब्सटेंस उन्हें कहेंगे जिन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, और बॉयलिंग के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, मेल्टिंग के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि हम प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन कहें, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू ऑल काइंड ऑफ द मैटर बाय इट्स अ फिजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंटों की हम बात करें तो एलिमेंट क्या होती है? तो एलिमेंट के अंदर एक ही प्रकार के एटम आपस में ग्रुपिंग में होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल हम बात करें तो सारे सोडियम के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आयरन मेटल की बात करें तो आयरन में सारे आयरन के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम सिलिकन की बात करें तो उसमें सारे सिलिकन के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर एक ही प्रकार के एटम खुद जैसे एटम से जुड़ती हैं, हम उन्हें एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंडों की बात करें तो जहां पर दो या दो से अलग प्रकार के एटम, दो या दो से ज्यादा अलग प्रकार के एटम आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि वाटर में हम बात करें, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। अमोनिया में बात करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम बात करें यूरिया में, तो यूरिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम बात करें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो यहाँ पर दो Na आए हैं, एक C और तीन O आए हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इट इज कॉल्ड द कंपाउंड। कंपाउंड में क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा प्रकार के आइटम आपस में जाकर जुड़े हुए होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा। अब यहां पर हम आगे बात करें तो ये तो हमारे थे प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम आगे बात करें जैसे कि मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? तो मिक्सचर के बारे में हम बात करें, इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि एलॉय की बात करें, एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट मेटल एंड मेटल विद नॉन मेटल। तो यहां पर मेटल आपस में जुड़े हैं, एलिमेंटल स्टेट पे आ गए। जैसे कि हम चीनी को पानी में डिजोल्व कर दें, चीनी को पानी में डिजोल्व करेंगे तो चीनी का एक मॉलिक्यूल होगा, पानी का मॉलिक्यूल होगा, चीनी और पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। तो मिक्सचर हो गए दो या दो प्रकार के एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशंस। तो यहां पर आगे हम बात करें तो हम मिक्सचर को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो आगे हम बात करते हैं होमोजीनियस और हेटरोजीनियस के बारे में। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे? तो जिस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, मतलब यानी किसी चीज को डिजोल्व किया है ना, उसमें हर जगह बराबर मात्रा में फैल जाए। जैसे कि चीनी को पानी में डिजोल्व करें, तो अब चीनी को पानी में डिजोल्व करेंगे तो चीनी पूरे सारे पानी में फैल जाएगी और उससे एक सपना देगी, वहां पर हमें कोई बाउंड्री नहीं दिखाई देगी। तो सुगर डिजोल्व इन द वाटर, साल्ट डिजोल्व इन द वाटर। जैसे कि मैंने बात की अभी एलॉय, एलॉय की बात की थी, एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय के अंदर दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग मेटल को जब आपस में मिलाया जाता है तो अच्छी तरह एक ही फेज को दिखाती है, कुछ अलग बाउंड्रीज वहां नहीं दिखती है कि यहां पर कुछ और मिला है। हेटरोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? तो उससे होमोजीनियस से विपरीत हम बात करेंगे। तो ऐसे मिक्सचर
which does not have the uniform composition, जिसमें uniform composition ना हो, यानी हमें अलग से दिखाई दे कि इसमें कुछ मिला हुआ है। जैसे कि मिट्टी को अगर हम पानी में मिलाएं तो हमें मिट्टी अलग से तैरती हुई या फिर नीचे बैठी हुई दिखाई देगी, या फिर हम तेल को पानी में डालें तो तेल अपनी अलग लेयर के साथ में वहां पर दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, हेटरोजीनियस मिक्सचर में आ गया है। तो हेटरोजीनियस ये मिक्सचर के एग्जाम्पल्स थे। अब यहां पर आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। अभी हमने पीछे बात की है कंपाउंड और मिक्सचर होते क्या, अब उनमें अंतर भी बात करते हैं यहां पर। तो कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर क्या होते हैं, तो वहां पर हमने कंपाउंडों में बात करें तो कंपाउंडों के जो पार्टिकल होते हैं प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो बाय मास, तो कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो अपने फिक्स रेशियो से जुड़ते हैं। वो आगे हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में हम बात करेंगे आगे। और मिक्सचर में हम बात करें तो पार्टिकल ऑफ मिक्सचर में भी प्रेजेंट इन द रेशियो, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि पानी में चीनी आपने कितनी मिलाई है, एक चम्मच मिलाई है, दो चम्मच मिलाई है, तीन मिलाई है, तो यहाँ पर रेशियो फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब दे आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल चेंज, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो बनते हैं वो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। जैसे कि H2 जमा में हाफ O2 विच गिव्स H2O, यहां केमिकल रिएक्शन होगी तो होगा ऐसा। मगर अगर हम मिक्सचर की बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बाय द फिजिकल चेंज, जैसे कि चीनी को पानी में मिलाएं तो वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, चीनी पानी में डिजोल्व होती है, तो एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। और आगे हम बात करें कंपाउंड के ऊपर, कंपाउंड का थर्ड है हमारा दे ऑलवेज इन द होमोजीनियस नेचर। तो जैसे कि प्योर वाटर ले लें, प्योर वाटर हो गया वो एक कंपाउंड है और वो एक होमोजीनियस फेज में सारा एक जैसा रहता है। और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेटरोजीनियस भी हो सकते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है अगर हम चीनी को पानी में मिलाएं तो वो एक होमोजीनियस है, और अगर हम सैंड को पानी में मिलाएं, ऑयल को पानी में मिलाएं, तो इट इज़ अ हेटरोजीनियस, इट इज मे बी, यानी मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, इन द कंपाउंड एलिमेंट लॉस इट्स आइडेंटिटी, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है वाटर। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन के गुण भी नहीं दिखाई देते क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और वो एक फ्यूल के रूप में यूज हो रही है, तो वहां पर उसके गुण भी नहीं दिख रहे हैं और वहां ऑक्सीजन के गुण भी नहीं दिख रहे हैं, वहां पर कुछ एक नए अलग से गुण दिखे हैं हमें। और वाटर लिक्विड स्टेट में हमें वहां प्राप्त हुआ है रूम टेम्परेचर पर। मगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के अंदर जो उसके जिन एलिमेंट या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उनके गुण वहां पर लॉस नहीं होते हैं। जैसे कि चीनी को पानी में मिलाएं, तो जब चीनी को पानी में मिलाएंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, तो चीनी का स्वाद भी मीठा होता है, और पानी लिक्विड स्टेट में है तो उसका सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। मतलब यहाँ पर उसने अपनी पहचान नहीं खोई है। इन द मिक्सचर एलिमेंट और मॉलिक्यूल डज नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, हम इसके बाद कल आपको नए टॉपिक के साथ में यहाँ पर मिलेंगे, एंड धन्यवाद।